Good morning students, welcome back in your English class. How are you all? I hope you all are doing well. So kids, as we had already learned about the nouns, common noun and proper noun, so today in this class we will learn about the singular and plural noun. Okay, so let's get started. So firstly, what is singular noun? Singular noun refers to only one person, place, animal or thing. Singular noun means single. जब किसी सिंगल चीज़ को हम रेफ़र करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉय, बैग, स्कूल, पेट्रियोटिज्म. और प्लूरल नाउन क्या होता है? प्लूरल नाउन व्हेन वी रेफ़र टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. मतलब एक से ज़्यादा जब हम चीज़ को रेफ़र करते हैं, किसी पर्सन के बारे में बताते हैं, एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बताते हैं, वो प्लूरल नाउन कहलाता है. फॉर एग्जांपल, बॉयज, बैग्स, स्कूल्स एंड रिलीजियंस. तो हम एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं, वो प्लूरल नाउन कहलाता है. तो अगर हमें सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है, सो हम कैसे करेंगे? उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको लर्न करने होंगे, समझने होंगे. सी, फर्स्ट बेसिक रूल है डेट एड एस टू फॉर्म द प्लूरल फॉर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द नाउन. कुछ नाउन ऐसे हैं जिनमें हम ईजिली सिर्फ एस पुट करके उनकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, बॉयज, बैग, बैग्स. हमें बस इनके पीछे क्या लगाना है? एस लगाना है, तो इनकी प्लूरल फॉर्म बन गई. सेकेंड है, इफ़ अ नाउन एड्स इन एस, एस एस, एस एच, सी एच और एक्स. अगर कोई नाउन इन लेटर्स से एंड होता है तो उसकी प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगी? हमें एंड में क्या लगाना होगा? ई एस. हमें देखना होगा कि ये वर्ड किससे एंड हो रहा है, सो उस हिसाब से हम इसकी प्लूरल फॉर्म बनाएंगे. फॉर एग्जांपल, बॉस, बॉसेस. डबल एस से एंड हो रहा है वो, फॉक्स. एक्स पे एंड हो रहा है, फॉक्सेस. राइट, सो लाइक दिस वी विल फॉर्म अ प्लूरल फॉर्म. नाउ इफ अ नाउन एड्स इन द कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट यू ऑल नो, इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल्स होते हैं एंड रेस्ट ऑफ दी लेटर्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं. वोवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू. राइट, सो अगर कोई नाउन कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, मीन्स उसके एंड में कॉन्सोनेंट है और साथ में वाई भी है, वाई पे ख़त्म हो रहा है वो, वाई पे एंड हो रहा है, सो हम उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? हम वाई की जगह आई, ई, एस लगा देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, होबी. होबी में हमने वाई हटा दिया और क्या लगा दिया? आई, ई, एस. तो क्या बन गई प्लूरल फॉर्म? होबीज. होबी का होबीज. लाइक दिस वी विल मेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज टाइप ऑफ नाउन्स. नेक्स्ट वर्ड इज बेकरी. एज यू कैन सी, आर इज़ अ कॉन्सोनेंट. आर कॉन्सोनेंट है और ये वर्ड किस पे एंड हो रहा है? वाई पे. सो हम इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम वाई हटा देंगे और आई, ई, एस पुट कर देंगे. सो इसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी बेकरीज. ओके, नाउ इफ अ नाउन एड्स इन वोवल और प्लस वाई, देन चेंज टू प्लूरल बाय एडिंग एस आफ्टर द वाई. सी, जैसे अब हमने देखा था कि अगर किसी नाउन में एंड में कॉन्सोनेंट है और साथ में वाई है तो हम आई, ई, एस लगाते हैं. बट अगर किसी नाउन में वोवल है एंड में और वाई है, तो उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वी विल जस्ट ओनली पुट एस. सो स्टोरी, स्टोरीज. ट्रे, ट्रेस. ओके, सम प्लूरल नाउन्स आर इरेगुलर. मीन्स कुछ प्लूरल ऐसे हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइल्ड, एक बच्चा, चिल्ड्रन, एक से ज़्यादा बच्चे. राइट, सो इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. नाउ नाउ नाउन एंडिंग इन एफ एंड एफ ई, दे आर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ ई एंड एफ इन टू वी ई एस. अगर कोई नाउन एफ या एफ ई पे एंड होता है तो उसकी प्लूरल फॉर्म हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम एफ की जगह वी ई एस लगा देते हैं. एज यू कैन सी, हमें वर्ड गिवन है लीफ एंड नाइफ. सो एफ और एफ ई पे एंड हो रहे हैं ये, तो इनकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया? लीफ में से एफ हटा दिया और वी ई एस लगा दिया, तो बन गया प्लूरल फॉर्म लीव्स. सिमिलरली नाइफ, एफ ई हटा दिया, वी ई एस लगा दिया, तो प्लूरल फॉर्म बन गई नाइव्स. ओके, सिमिलरली वाइफ नाउन है, इसमें एंड में क्या है? एफ ई. तो एफ ई की जगह हम क्या लगा देंगे प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए? वाइफ्स. हाउएवर, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एफ पे तो एंड होते हैं बट उनकी प्लूरल फॉर्म नॉर्मल वे में होती है, लाइक
सिंपल एस लगाया जाता है, लाइक रूफ रूफ्स, शेफ शेफ्स. ओके, नाउ मोस्ट नाउन एंडिंग इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस. जो नाउन ओ पे एंड होते हैं उनमें हम ई एस लगाते हैं, टमाटो टमाटोज, मैंगो मैंगोज. ओके, लाइक दिस वी विल फॉर्म देयर प्लूरल फॉर्म. However, some nouns ending with O form their plural form in the normal way, as like in the F rule, जैसे उसमें हम वी ई एस नहीं लगाते कुछ nouns में जो F पे एंड होते हैं. सिमिलरली जो O पे एंड होते हैं उसमें हम ई एस नहीं लगाते, S लगाते हैं, लाइक फोटो फोटोज. सो F और O के केस में आपको ये चीज़ अपनी माइंड में रखनी होगी. Now moving to the next rule. If a noun consists of several words such that it's a compound noun, the s is added to the main word. See, जब compound noun क्या होता है, जब एक से ज़्यादा word होते हैं, for example father in law, तो इसमें एक से ज़्यादा words हैं, so इसके main word father पे s लगा देंगे, fathers in law, right? A water tank, so water tanks. Now some nouns have the same form in the singular and plural. लाइक डियर, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी सेम ही फॉर्म होती है, सिंगुलर और प्लूरल सेम ही बोलते हैं, लाइक डियर, शिप, हेयर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू एंड टेक केयर.